पंचवटी परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून घरफोडी, दुकान फोडणे, मोबाईल चोरी, लुटमार, चेन स्नॅचिंग सारख्या घटना सातत्याने घडत आहे. खून, हाणामारी अशा प्रकारच्या घटना देखील कमी होत नाहीये. या सर्व घटना ताज्या असतानाच भर चौकात हायवेवर असलेल्या जेके टायर दुकानचे शटर सहजपणे तोडले जाते व दुकानात असलेले सीसीटीव्हीचे 15 तारखेपासूनचे सर्व फुटेज आरोपी कसे डिलीट करू शकतो हे देखील आश्चर्यच आहे. याबाबत जेके टायर दुकानचे मालक यांनी घटनेची माहिती दिली. टायर का कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमारा टायर जो रखा था एक स्टैंड का पूरा टायर गया, उसमें ज्यादा से ज्यादा 9-10 टायर होगा, कार का टायर और स्कूटर का 10-15 टायर गया होगा, बाकी कुछ अभी हम स्टॉक लिया नहीं है, बाकी ज़्यादा गया नहीं करके मेरे को मालूम नहीं, अभी स्टॉक लेने के बाद मालूम पड़ेगा. वो तो अंदाजन क्या, एक स्कूटर का टायर का 2000 रुपये, 1500 का टायर बोलो तो 30000 रुपये, ये 5-8-10 टायर है, वो कितने मेरे को एक्सैक्ट मालूम नहीं, उसमें 6000 का टायर भी है, 4000 का टायर भी है, 4500 का टायर भी है, ऐसा 60 और 80-90 हज़ार का गया होगा बस. नहीं नहीं, चोरों ने हमारा ड्रॉ का सब ड्रॉ खोल के देखा है, हमारा अंदर जो चेक रखता है वो बैग है, वो बैग बाहर निकाल के टेबल के ऊपर रखा है, वो बैग का अंदर सब चेक किया, उनको कुछ कैश मिला है नहीं, वो चेक सब ऐसे कैसे वो लोग ने रखा, कोई उसमें नुकसान किया नहीं है, जो भी हमने देखा उसमें अभी तक कोई नुकसान आया नहीं, कस्टमर का चेक था, हमारा चेक बुक सब था, तो सब सही सलामत रखा है, सब ड्रॉवर का लॉक खोल निकाल के ड्रो बार खोल के रखा था दोनों काउंटर का. पंचवटी परिसरात जणू काही पोलिसांचा वचकच राहिला नाहीये असे चित्र आहे. पोलिसांची रात्रीची गस्त देखील कमी झाल्याची चर्चा परिसरात आहे. नाशिक सिटी न्यूज साठी प्रतिनिधी रोहन दानी, नाशिक.